अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ, 25 करोड़ पाकिस्तानी मुंह क्यों छिपा रहे हैं, सब कुछ देखिए। पाकिस्तान के गवर्नर हवाई जहाज वाली मुद्रा में खड़े हैं। इस एक शख्स के हाथ फैलाने की तस्वीर ने पाकिस्तान की हैसियत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। सिर से पैर तक तलाशी, क्योंकि जमील साहब अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर खड़े हैं। गवर्नर साहब जैसे ही वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरे, इनकी तलाशी ऐसे हुई जैसे किसी संदिग्ध की हो। गवर्नर साहब अमेरिका तो पहुंचे थे आईएमएफ से खैरात लेने, लेकिन पूरे पाकिस्तान की दो चार बूंद बची खुची इज्जत भी नीलाम कराए। उनकी भी पतलून उतार ली गई है, उनको बड़ा बेइज्जत किया गया है। 3 घंटे उनको अंदर रखा गया, एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया। हमारे एक वफाकी वजीर अमेरिका तशरीफ ले गए, मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुकाम ने कुछ अच्छा नहीं किया, वो कुछ बरहम नज़र आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में मुबैना तौर पे जिनको इसके प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं है। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ, फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुँचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। And they passed the law, and they had to withdraw their decision. ये होती है कौमें। यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जहाँ हमारा पासपोर्ट जो है खुदा ना खास्ता बल्कि एक्चुअली इराक से और सीरिया से बेहतर है, लेकिन इराक से और अफगानिस्तान से बुरा। अब आप देखें ना, इंडिया नेपाल एंड भूटान जा सकता है, क्या हम ईरान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, क्या हम चाइना जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, क्या हम अफगानिस्तान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, हम क्या हम इंडिया जा सकते हैं, इतने तो हमारे अच्छे किसी से बाहर नहीं आ रहे, हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा अल्लाह। दोस्तों, ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैंक है। अमेरिका गए थे आईएमएफ से कर्जा मांगने, कपड़े उतार के नंगा कर दिया एयरपोर्ट के ऊपर ही। ये है पाकिस्तान की असली हकीकत और इनकी औकात है दोस्तों। अब बताइए, वैसे ये कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम है, हम ये हैं हम वो हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनको नंगा किया जाता है। अब बेशरम इतने हैं कि अगर आप इनसे बात कर लोगे तो ये कहेंगे कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हम पूरी दुनिया खरीद लेंगे। सऊदी अरब में अगर इनके जूते मारे जाते हैं तो ये कहते हैं सऊदी अरब जो है वो नकली मुसलमान है। यूएई इनको धक्के मारता है, वो कहता है वो गद्दार है। ये हाल है इन लोगों का, पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, नंगे होते हैं और उसके बाद जूते भी खाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम है। ऐसे लोगों के बारे में दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ, आप ही कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे एक वफाकी वजीर अमेरिका तशरीफ ले गए, मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुकाम ने कुछ अच्छा नहीं किया, वो कुछ बरहम नज़र आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में मुबैना तौर पर जिनको इसके प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं है। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ, फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुँचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास द लॉ and they had to withdraw their decision. ये होती है कौमें। उनकी भी पतलून उतार ली गई है, उनको बड़ा बेइज्जत किया गया है, 3 घंटे उनको अंदर रखा गया है एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है। वो इंडियन लॉबी इतनी तकड़ी है, वो रोड पे नहीं आती है, आप जाके वहां जाके बता रहे हैं उनके डर की वजह से वहां घुसे। वहां अपने अपने मुल्क की कॉजेज के लिए लॉबी की जाती है और ये बहुत हेक्टिक होता है। पीजे विल बेयर मी आउट कि कितना तमाशा लगता है वो, इसलिए कि 17-18 ऑन द साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं डेली, बजाय उस पर कंसंट्रेट करने के। चूंकि एयरपोर्ट के ऊपर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। एक वाकया तो पीजे ने बता दिया, एक वाकया इन्होंने भी बता दिया, बेपनाह ऐसे वाकया जहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों को रोका गया। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ, फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास द लॉ
एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कॉमे। आप इस तरह करें, आप वहां की गुर्बत दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? जिस मैनहट्टन को मैं और पीजे जानते हैं, आप जानते हैं, उस मैनहट्टन में कोई गुर्बत का नजारा की भी पतलून उतार ली गई है, उनको बड़ा बेइज्जत किया गया है, 3 घंटे उनको अंदर रखा गया है, एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है, और उससे हमारे जो एंकर हजरात हैं वो भी यकीनन मुतासर हुए, और खास तौर पर जो नून लीग और उनके जरा करीबी हैं। तो यहां पर जो सलीम साफी है वो कहते हैं कि शुक्र है अमेरिका ने और नहीं तो सिर्फ जामे तलाशी पर इक्तफा किया और इनकी इनके बैग से 10 किलो हिरवन बरामद नहीं किया। पाकिस्तान होता तो पीटीआई की हुकूमत होती और शहरयार अफरीदी अपोजिशन में होते तो अब हिरवन स्मगलिंग का मुकदमा भी भुगत रहे होते। अब आप देखें ना, इंडिया नेपाल एंड भूटान जा सकता है, क्या हम ईरान जा सकते हैं विदाउट वीजा? क्या हम चाइना जा सकते हैं विदाउट वीजा? क्या हम अफगानिस्तान जा सकते हैं विदाउट वीजा? हम क्या हम इंडिया जा सकते हैं? इतने तो हमारे अच्छे हालात हैं कि हम खित्ते में हम अपने इन ममालिक में नहीं जा सकते जहाँ पे जो इतने हमारे ताल्लुकात नहीं हैं इनके साथ। सो अब आप ये इमेजिन कर लें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री, और हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो इसीलिए ख़राब है क्योंकि मेरा वज़ीर आज़म जाके दुनिया में कहता है पैसे दे दो सानू। मेरा वज़ीर आज़म जाके दुनिया में कहता है कि पैसे दे दो, हालात बड़े ख़राब ने, टाइट ने। इंडियन वज़ीर आज़म जाता है दुनिया में और जाके कहता है कि पाइना मेरे को $10 अरब दे दो, 26 रफेल दे दो, तो ऐसे सबमरीन दे दो, तो फ़र्क तो पड़ेगा। फिर पासपोर्ट तो इंडिया फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस की हुकूमत ने वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं, उन्होंने उनको पता चल गया कि भाई ये जो लोग हैं ये कौन कारोबार करने आ रहा है, कौन मांगने आ रहा है, कौन हमारी मुआशरे पे बोझ। 2022 से लेकर अब तक इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 5 दर्जे बेहतरी आई है, यानी कि अब इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक है वो 80 दर्जे पर आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर यही कहूँगा कि वो उनका कुछ फॉरेन रिलेशन ठीक हुए हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाना है। इसमें कोई को बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज आप देखें वो मेरिट है ना, सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है, इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सर आप क्या कहेंगे अगर हम पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंडिया के पासपोर्ट का कंपैरिजन करें तो आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं, क्योंकि वो उनके पासपोर्ट की दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन डी वैल्यू होता जा रहा है, यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके 4th नंबर पर आ गया, पहले 5वें पे था, अब हम 4th पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स का क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है, और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है मतलब जिसने भी दी है वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद कर करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा? सही। अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते।